ये सामने जहाँ पे आपको ये बादल दिख रहे हैं, ये है शिव पर्वत। बहुत से लोगों को शिव ने दर्शन दिए यहाँ पे, शिवलिंग के रूप में, नंदी के रूप में, अपनी डिफरेंट डिफरेंट आकृतियाँ बना, और इसको कहते हैं शिव पर्वत। ये वाला शिव पर्वत जो जय माता दी। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, और अभी आप अच्छे से बाहर से माता रानी का जो मंदिर है, भव्य मंदिर है, उसके आपको दर्शन करो। ये रहे खुले दर्शन, आप कर सकते हो माता रानी के मंदिर के खुले दर्शन। ये आ गया दही बल्ला, और ये साथ में गुलाब जामुन, आप देख सकते हो यहाँ पर राजमा रेडी हो रही है, मंचूरियन की ग्रेवी आ गई है। इसके बाद नीचे वाला कौन सा, ये मंचूरियन, अच्छा मंचूरियन आ गया। अभी खीर बन रही है, राजमा आ गया, आगे दाल मखनी, ये आगे दाल मखनी। आप देख सकते हो मखन बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आने वाली है आपको, बिल्कुल आगे जाओगे तो फीलिंग आएगी, अरे देखने वालों को भी आएगी ना। हमने देख सकते हो यहाँ पर तंदूर भी फिट, मतलब नान आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर नान के पेड़े लगे हुए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू टिक्की के लिए मसाला रेडी हो रहा है, यहाँ पर आलू छिले जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरा नाम राकेश गुप्ता, मैं उधमपुर से। आप ये सेवा कब से दे रहे हैं यहाँ पे? 2000 से दे रहे हैं। अच्छा 2000 से कंटिन्यू। अच्छा, और इस जगह का नाम क्या पड़ता है? पारदर्शन। जय माता दी। जितने भी लंगर हमको मिले उसमें से एक अकलौता लंगर ये है कि इसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज, फूड्स की बहुत सारी वैरायटी मिली खाने की। आपको सेम रेस्टोरेंट वाली फीलिंग, बिल्कुल 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 सेम रेस्टोरेंट वाली फीलिंग। देख रहे हो तो आप जरूर, आपके मुंह से पानी आएगा। जय माता दी, जय माता दी। बात नहीं जाना, ये देखो सर, जय माता दी। दोस्तों अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा हो, व्लॉग में हमने यहाँ पे 14 माले की बिल्डिंग बनाई थी, और अभी यहाँ पे मुझे लगता है गिर चुकी है, या गिरा दी, 3, 4, 5, 6 माले की बिल्डिंग अभी भी यहीं पे है। जय माता दी। अभी हम पहुँच चुके हैं हिमोरी गांव में, और हम भवन से दर्शन करके वापस घर की ओर जा रहे हैं। वो जो जम्मू से एक छड़ी आई थी वो भी इस वक्त हिमोरी गांव में पहुँच चुकी है, और वो छड़ी जा रही है भवन की ओर। लो जी भाई, गुनासने कल हम कल नहीं परसों यहाँ परसों जब हम माता रानी के भवन की तरफ जा रहे थे तो यहीं पे स्टे किया था, और अभी हम वापस आ चुके हैं यहीं पे, उसी स्टेशन पे पहुँचे जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था। यहाँ की चाय बहुत ज़बरदस्त थी, बड़ी लाजवाब चाय में थी। फाइनली हम रेनकोट डाल देते हैं, अगर फाइनली नहीं डालो फिर क्या होगा? फाइनली डालना पड़ेगा, आदत है ना वो शुरू से, आदत नहीं जाती हूँ। भाई हो गया, हो गया, बाय बाय, चले फिर हम, बाय बाय सबको, फिर कभी आएंगे। खाने का तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन चाय आपके मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत जगह चाय थी, बहुत ही मिली हमको, थैंक यू। बिल्कुल पक्का है, जय माता दी। क्या दोस्तों आप ये पहचान रहे हो ये कौन सी जगह है? अगर नहीं पहचानते तो हम बता देते आपको, ये है चटोती वाला पुल। दोस्तों आपने बहुत सारे चंडी माता के भजन सुने होंगे, और बहुत सारे भजनों में इस पुल का जिक्र किया गया है। एक बहुत ही फेमस भजन है, चशोती यारो पुल हिलदा, आगे मैं बताता हूँ, धक धक करे दिल मेरा। दोस्तों उसी पुल के ऊपर अभी हम खड़े हैं, और
बड़े घने तरीके से ये हिल रहा है। वो सर ज्यादा नहीं कराओ, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे और जाते जाते सिलिंदर भाई माता रानी का जयकारा लगाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे आगे। जयकारा मचेला वाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो गाइज ये थी हमारे मचेल यात्रा 2023 की सीरीज। उम्मीद करूंगा कि जितने भी एपिसोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर की आपको पसंद आए हों। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलूंगा मैं आप लोगों के साथ कबलास कुंड वाली सीरीज़ लेके। तब तक दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। जय माता दी।